बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे। बहुत आसान है ये सारे जो आपको एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम दिए गए हैं। इन सब के आंसर्स आपके चैप्टर के अंदर गिवन है। सबसे पहले हम पेज नंबर 20 पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1, द वर्ड एजुकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन एजुकेशन। जॉन डुई टर्म्स एजुकेशन टू बी द प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस। एजुकेशन ट्रांजैक्ट्स कल्चर। एजुकेशन ड्रॉज अ लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल। एजुकेशन इनकलकेट्स मॉरल वैल्यूज इन स्टूडेंट्स। ये मॉरल है, MORAL, टी को काट दीजिए। द एजुकेशनल सेटअप ऑफ एनी सोसाइटी इज कंपैटिबल विद द फैब्रिक ऑफ सोसाइटल वैल्यूज। द एजुकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी विल बी स्किल ओरिएंटेड। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। फॉर्मल एजुकेशन इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। कम्युनिस्ट फिलोसफी वॉज पॉपुलर इन सोवियत यूनियन। सेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव इज द प्रीलिमिनरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑब्लिगेशन टू themselves इज टू देयर स्टडीज। ये फॉल्ट नहीं है, फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। सोशल डिमांड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट सेट डायरेक्शन फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट पेज नंबर 21 पे देखिए। यूरोप एंड अमेरिका आर इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटीज। द एजुकेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटीज एम एट क्रिएटिंग अर्निंग मेंबर्स इन द सोसाइटी। प्लेटो टर्म्ड मैन एज अ सोशल एनिमल। मैन मस्ट अकोमोडेट हिमसेल्फ विद द ओड्स एंड एंड्स ऑफ द सोसाइटी। इन इस्लाम इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मैन एंड वूमेन टू सीक नॉलेज। इन इस्लाम एजुकेशन मीन्स आर डिवाइन लाइट। इकरा वॉज द फर्स्ट लेसन ऑफ द होली कुरान। सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। ये ग्रो नहीं है, ग्रेव है। Seek knowledge even if you have to go to China for it. China proper noun है, C capital लिखिएगा। Man is the vicegerent of Allah, the omnipotent or earth. Teacher is a role model for students. Section number 3 में आइए, जो कि true false है। Education creates civic sense in the people. True. The ultimate end of Islamic concept of education is taqwa. True. America and Europe at creating religious people. नहीं, America and Europe जो हैं वो religious education जो है वो नहीं देते, false है। Iqra means to read. True. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam freed prisoners of war on the condition that they would be Muslims. False है। इस condition पर उनको रिहा नहीं किया गया था। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam एडवाइज द मुस्लिम्स इधर टू बी आर टीचर और बिजनेसमैन। ये भी फॉल्स है। पीछे जो आपको कॉन्टेक्स्ट में दी गई है लाइन्स, उनको देखिए। इधर बी आर टीचर और आ स्टूडेंट है। द टीचर ओनली इम्पार्ट्स बुकिश नॉलेज। ये भी फॉल्स है। टीचर सिर्फ किताबी जो इल्म है वो नहीं देता। द टीचर कीप्स अ हॉक्स आई ओवर द ग्रुप स्टडिंग अंडर हिज सुपरविजन। ट्रू। Co-curricular activities are an avoidable part of education. False है, इसको avoid नहीं किया जा सकता। If a teacher is facilitative in mood, he can squeeze wonders from his group of students. True. Taqwa means fear of Allah, the omnipotent. True है। Education asserts to adopt halal means of earning and to renounce the haram and unfair means. True है। स्टूडेंट्स, आपने ये नहीं सोचना कि एमसीक्यूज ही पेपर में आते हैं तो हम सिर्फ एमसीक्यूज को लर्न कर लें। ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स हैं, ये भी आपको पेपर में एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की शेप में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 22 पर आइए। मैच द कॉलम्स हैं। इस तरह से पहले आप कॉलम ए को नंबरिंग कर लें 1 to 13, ताकि इनके आंसर्स के आगे कॉलम बी में जब आप नंबरिंग करें तो आपके लिए पढ़ना आसान हो, ठीक है। और फिर जो सही आंसर्स होंगे वो आप कॉलम सी में लिख लीजिएगा। तकवा, फियर ऑफ अल्लाह। एजुकेशन ट्रांसमिट्स कल्चर, फंक्शन है ना उसका। टीचर
sharpen human mind. Student, active participation. Revelation of God, capital G-O-D, God कीजिएगा. Revelation of God, most authentic source of knowledge. Imam Ghazali, Muslim thinker. Non-formal education, distance education. Niyabat-e-Ilahi, man is the, ये ही नहीं है, ये दा है. Man is the vicegerent of Allah. Learning from society, informal education. First obligation of the students, education. Prophetic profession, teaching. Co-curricular activities, facilitative. Soviet Union, communism. स्टूडेंट्स पेज नंबर 22 और 23 पर जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स आपको पेज नंबर 24 एंड 25 पर गिवन है. आपने यहां से इनको लर्न करना है. सेक्शन नंबर 6 में चलेंगे जहां पर हमें लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन है. ठीक है, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशन. इसका आंसर मैं आपको मार्क करवाने लगी हूँ हेडिंग्स के साथ. आपने इसको अपनी नीट कॉपीज पर नोट डाउन करना है. स्टूडेंट्स आपने इस आंसर को अपनी नीट कॉपीज पर नोट डाउन करना है और बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि अब आप बुक से देखकर लिख रहे हैं तो आपकी गलती कोई नहीं होनी चाहिए. ठीक है, और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद भी करना है. सबसे पहले आपने टाइप्स ऑफ एजुकेशन की हेडिंग देनी है. ठीक, उसके बाद आप लाइन लिखेंगे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एजुकेशन. ये लाइन लिखने के बाद आपने ये थ्री टाइप्स मेंशन कर देनी है, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन. ठीक हो गया, और इसके साथ रोमन नंबरिंग भी कर लेनी है. अब आपने सबसे पहले नंबर वन हेडिंग देनी है फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें आप फॉर्मल एजुकेशन से लेकर रेगुलर टीचर्स तक पहले लिखेंगे. उसके बाद आपने एक लाइन लिखनी है इसी के साथ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज अ सिस्टमैटिक वन. यहाँ तक लिखने के बाद आपने हेडिंग देनी है फॉर एग्जाम्पल. उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन आर से लेकर यूनिवर्सिटीज तक. ठीक है, फिर आप हेडिंग देंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन की. इसमें आप पहले लाइन लिखेंगे, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज प्राइवेट एजुकेशन. इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन द लर्नर क्वेंचेस हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज नॉट इन द रेगुलर टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन बट इन सेमी रेगुलर इंस्टीट्यूशन. In non-formal education, the student does not attend the classes regularly, but he merely seeks the help of tutor now and then. इसके बाद आपने हेडिंग देनी है forms of non-formal education, जिसमें आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, distance education and self-education are two forms of non-formal education. ठीक है, फिर आप हेडिंग देंगे facts of non-formal education, जिसमें आप यहाँ से लिखेंगे, द अदर फैक्ट्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन आर द टीचर्स आर सिलेक्टेड, यहाँ से लेकर पर्सनली तक. इसके बाद आपने हेडिंग देनी है फॉर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल की हेडिंग देने के बाद आपने लिखना है, डिस्टेंस एजुकेशन फ्रॉम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कम्स अंडर दिस कैटेगरी. ठीक, आएंगे इनफॉर्मल एजुकेशन पर. आपने इनफॉर्मल एजुकेशन की हेडिंग देकर इनफॉर्मल एजुकेशन इज दैट से लेकर ऑब्जर्वेशन तक लिखना है. उसके बाद फॉर एग्जाम्पल की हेडिंग देकर लर्निंग फ्रॉम सोसाइटी कम्स अंडर दिस कैटेगरी, ये आपने एग्जाम्पल देनी है और यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन. इसका आंसर भी मैं आपको मार्क करवाने लगी हूँ. आपने इसको अपनी नीट कॉपीज पर नोट डाउन करना है. 2 का आंसर मार्क कर लें. सबसे पहले आपने की एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन की हेडिंग देनी है, ये लाइन लिखनी है, और फिर इसी तरह पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है, इसके बाद आपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग देनी है. ठीक है, और इन इस्लाम से लेकर ऑनरेबल लिविंग तक लिखना है. फिर आपने द स्टूडेंट की हेडिंग देकर इट इज़ नो अदर देन से लेकर एजुकेशन तक लिखना है, और कायदेजम सेट टू द स्टूडेंट से लेकर स्टडीज तक लिखना है. ये सेइंग है इसलिए इसको इन्वर्टेड कोमाज में लिखिएगा. लिखनी आपने पेन से ही है लेकिन इन्वर्टेड कोमाज मार्कर से लगा लीजिएगा. नेक्स्ट हेडिंग आपने द टीचर की देनी है, द टीचर से लेकर पर्सनैलिटी तक लिखिएगा, और फिर टीचिंग इज अ प्रोफेटिक प्रोफेशन से लेकर राइट पाथ तक लिखिएगा. नेक्स्ट आपने रीडिंग मटेरियल्स की हेडिंग देनी है, रीडिंग मटेरियल से लेकर टीचर तक लिखना है, और फिर सिलेबस से लेकर नीड्स तक लिखना है. नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे को करिकुलर एक्टिविटीज. को करिकुलर एक्टिविटीज से लेकर एजुकेशन तक लिखें, इट एक्चुअली मीन्स लिखना है. एजुकेशन के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर इट एक्चुअली मीन्स जब आएगा तो इट का आई कैपिटल लिखना है आपने. इंडिविजुअल तक लिखना है.
कोकरिकुलर से लेकर पर्सनालिटी तक लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी। टीचिंग मेथोडोलॉजी की पूरी एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है, 4 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी लेकर नेशन तक। फिर सोशल डिमांड्स इन एजुकेशन में आपकी हेडिंग देनी है और आपने एक्सप्लेनेशन द से स्टार्ट करके डिमांड्स तक लिखनी है और फिर द ओनली वे से लेकर सोसाइटी तक लिखनी है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। आप आएंगे पेज नंबर 10 पर। सबसे पहले आपने मेन हेडिंग देनी है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, उसके बाद आपने ये लाइन लिखनी है नॉलेज से लेकर क्रिएचर्स तक, ठीक है। फिर बिल्कुल पेज के मिड में सेंटर में आपने ये वर्ड्स लिखनी है मार्कर से, या तो मार्कर से लिख दीजिएगा या इन्वर्टेड कॉमास मार्कर से लगाकर तो पेन से लिख दीजिएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है जो कि आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी, फर्स्ट लेसन इन कुरान, ठीक है। उसमें आपने लिखना है द फर्स्ट रेवलेशन वॉज इकरा मीनिंग रीड। यहाँ तक आपने लिखना है, इकरा को मार्कर से बोल्ड कर दीजिएगा और रीड को भी। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो अहादीथ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की सेकंड हेडिंग देंगे और इसमें आपने लिखना है द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाईलाइटेड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। ये लिखने के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड। उसके बाद चाहे आप मार्कर से ये हदीस लिख लें या इन्वर्टेड कोमास में लिख लें। इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे तो फिर कोमास मार्कर से लगाकर लिखनी आपने पेन से है, ठीक है। लेकिन अगर आप मार्कर से लिख रहे हैं तो फिर आपने इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाने, आपने जस्ट इस लाइन को मार्कर से लिख देना है, सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। नेक्स्ट आप लिखेंगे ऑल्सो ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन टू सीक नॉलेज। फर्दर ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड सीक नॉलेज इवन इफ यू हैव टू गो टू चाइना फॉर इट। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज्ड हिज फॉलोअर्स ईदर बी अ टीचर और अ स्टूडेंट एंड अडॉप्ट नो अदर कोर्स ऑफ एक्शन। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है नंबर 3, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे, ये लाइन लिखकर ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। फिर आपने सब हेडिंग देनी है जो कि इसकी सब हेडिंग है, ठीक है। तकवा, और तकवा में आपने लाइन लिखनी है तकवा मीन्स फियर ऑफ अल्लाह द ऑल माइटी। नेक्स्ट आपकी हेडिंग जाएगी नियाबत इलाही, आपने यहाँ से लिखना है द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन से लेकर ऑल माइटी ऑन अर्थ। नेक्स्ट आप आ जाएंगे पेज नंबर 12 पर। आपने सब हेडिंग देनी है जो कि ऑब्जेक्टिव की है सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह द ऑल माइटी, और इसमें आपने इस्लामिक एजुकेशन से लेकर ओमनीपोटेंस ऑफ अल्लाह तक लिखना है। फिर आपने ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर की हेडिंग देनी है, एजुकेशन से लेकर जनरेशन तक लिखना है। लीडिंग अ प्योरिफाइड लाइफ की हेडिंग देकर एजुकेशन से लेकर प्योर लाइफ तक लिखना है। अर्निंग एन ऑनरेबल लिविंग की हेडिंग देकर आपने ये लिखना है आर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड ही हु अर्न विद हैंड इज द फ्रेंड ऑफ अल्लाह। ये जो आपने वर्ड्स लिखनी है ये भी आपने मार्कर से लिखनी है। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है प्रिपरेशन ऑफ द लाइफ हेयर आफ्टर, और एजुकेशन से लेकर डेथ तक लिखना है। फिर करिकुलम इन इस्लामिक एजुकेशन में इस्लाम से लेकर लाइफ तक लिखना है। आप आ जाएंगे पेज नंबर 13 पर। रोल ऑफ टीचर की हेडिंग दीजिएगा और ये 4 लाइंस लिखनी है आपने। रोल ऑफ स्टूडेंट 2 लाइंस लिखनी है कंप्लीट। सोर्सेज ऑफ नॉलेज लिखकर इस्लाम बिलीव्स इन द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ये बिलीव्स है BELIEVES, सेंसेस कस्टम इंट्यूशन रेवलेशन, ठीक है। और उसके बाद आपने ये 1 लाइन लिखनी है रेवलेशन इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज। बस यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको ये आंसर अभी बहुत शॉर्ट करके रखवाया है, इसलिए ये जितना भी मैंने आपको मार्क करवाया है ये सारा आपने लर्न करना है। जो मुबादियात तालीम पढ़ते हैं पेज नंबर 7 निकालिए, जहाँ पर आपको एक्सरसाइज गिवन है। स्टूडेंट्स स्कूल क्लोज होने से पहले मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स लिखवाए थे। अब आपने अपनी नीट कॉपी से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ जुमले दिए गए हैं, आपने बताना है कि ये जुमले सही हैं या गलत। गैर रस्मी तालीम में तालीमी मकासद को शौरी अंदाज में पेश नज़र रखा जाता है, गलत। बच्चे का घर गैर रस्मी तालीम का अहम मरकज़ है, सही। बच्चे की तालीम का अवलिन मरकज़ मदरसा होता है, गलत। उठते बैठते रेडियो और टीवी के ज़रिए जो तालीम हासिल की जाती है रस्मी तालीम कहलाती है, गलत। इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक तालीम हासिल करना हर एक का बुनियादी हक है, सही। इस्लामी नज़रिया हयात दीन और दुनिया को 2 खानों में तकसीम करता है, गलत। तालीम का सबसे बड़ा मकसद रोज़ी कमाना है, गलत। अब आपने ब्लैंक्स फिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में बास मुफक्किरीन तालीम के नज़दीक तालीम माशरे से मुताबकत पैदा करने का अमल है।
तालीम के ज़रिए फ़र्द की शख्सियत के तमाम पहलुओं की नशोनुमा मुमकिन हो जाती है। मखसूस तालीमी इदारों में मखसूस असातज़ा और निसाब के ज़रिए जो तालीम दी जाती है रस्मी तालीम कहलाती है। वही का इल्म कुरान मजीद की शक्ल में हमारे पास अब पेज नंबर 8 पर देखिए, इस्लाम सिर्फ वही के इल्म को कतई और हतमी करार देता है। दुनिया में कोई मज़हब ऐसा नहीं है जिसने तालीम को वो अहमियत दी हो जो इस्लाम ने दी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो कि चूज़ द बेस्ट ऑप्शन का है। इंसान को माशर्ती हिवान समझता था अरस्तु। बच्चे की तालीम का अवलीन मरकज़ है घर। रब्बे ज़िदनी इल्मा, मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, ये दुआ किसने सिखाई? अल्लाह ताला ने। कौमी सकाफत को नसल दर नसल मुंतकिल करती है तालीम। इंसान जिन तरीक़ों से तालीम हासिल करता है इनकी इकसाम 3 हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आने से पहले इल्म हासिल कर चुके थे। साइंसी इल्म लिखिए, ये मिस प्रिंट हुआ है। दुनिया में आला मनसब के लिए इल्म हासिल करने वाला शख्स अल्लाह के गज़ब से नहीं बच सकता, किसने फरमाया? इमाम गज़ाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 मैच द कॉलम का है। इंसान ज़मीन पर अल्लाह का नायब और अशरफुल मखलूकात है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ रस्मी तालीम के इदारे हैं। कुरान पाक में सबसे पहला हुक्म है पढ़ो। इंसान जिन तरीक़ों से तालीम हासिल करता है इनकी इकसाम 3 हैं, रस्मी, नीम रस्मी और गैर रस्मी। हर कौम अपनी सकाफत और नज़रिया हयात के बारे में तमाम मालूमात अपनी नई नस्ल को फ्राहम करती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि है मुख्तलिफ आरा की रोशनी में तालीम का मफहूम वाजह करें। इसका आंसर आपको पेज नंबर 2 पर मिलेगा। पेज नंबर 2 का 3rd पैराग्राफ है तालीम। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है तालीम, तालीम से लेकर एजुकेशन है तक लिखना है। आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है तालीम का इस्तलाही मफहूम और इस्तलाही तौर पर तालीम एक ऐसा अमल है से लेकर काबिल बनाया जाता है तक लिखना है। फिर आपने हेडिंग देनी है मुख्तलिफ आरा की रोशनी में तालीम का मफहूम और इस हेडिंग के बाद आप ये लाइन लिखें, मुख्तलिफ माहिरीन तालीम ने तालीम के मफहूम को वाजह करने के लिए तालीम की मुख्तलिफ तारीफें की हैं। पॉइंट नंबर 1 आप इसमें देंगे, बाज़ मुफक्करीन ने तालीम को सच्चाई की तलाश का अमल करार दिया है। पॉइंट 2 देंगे, बाज़ मुफक्करीन कहते हैं से लेकर बनाती है। पॉइंट 3 देंगे, बाज़ मुफक्करीन से लेकर पैदा करने का अमल है तक। फिर पॉइंट 4 आप देंगे, बाज़ मुफक्करीन की राय में से लेकर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करती है तक आपने लिखना है। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है तालीम का जामिया मफहूम और किसी बात को देखना से लेकर तालीम है तक आपने लिखना है। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है इस्लामी नुक्ता नज़र से तालीम का मफहूम और आपने पॉइंट 1 लिखना है, तालीम एक ऐसा माशर्ती अमल है से लेकर मुमकिन हो जाती है तक लिखना है। फिर पॉइंट नंबर 2, इंसान ज़मीन में अल्लाह ताला का नायब और अशरफुल मखलूकात है। पॉइंट नंबर 3, अल्लाह की अता करदा से लेकर सलाहियतें भी दी हैं। और पॉइंट नंबर 4, कामयाबी सिर्फ से लेकर हसूल का रास्ता बताती है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, तालीम का अमूमी तसव्वुर क्या है? ये मैं आपको पिछले लेक्चर में करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके आपको पिक्चर्स भेजी जाएंगी व्हाट्सएप के थ्रू और आपने इन पिक्चर से इनके आंसर्स को देखकर अपनी नीट कॉपीज पर नोट डाउन करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, रस्मी, नीम रस्मी और गैर रस्मी तालीम से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके पेज नंबर 3 पर है। इंसान जिन तरीक़ों से तालीम हासिल करता है माहिरीन ने तालीम को 3 इकसाम में तकसीम किया है। उसके बाद आप नंबरिंग देंगे, रस्मी तालीम, नीम रस्मी तालीम, गैर रस्मी तालीम, ठीक है? इनको नंबरिंग देकर लिखेंगे। फिर आपने हेडिंग देनी है नंबर 1 रस्मी तालीम। रस्मी तालीम का आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है यहाँ तक और फिर नीम रस्मी तालीम की हेडिंग देकर उसका पूरा पैराग्राफ यहाँ तक लिखना है और फिर गैर रस्मी तालीम की हेडिंग देकर आपने काश्तकार का बेटा यहाँ से लेकर पेज नंबर 4 सीखता है तक लिखना है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव जितना भी है वो आप बुक पर ही फिल कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कॉपीज़ पर नोट करवा चुकी हूँ। अब
अब जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स मार्क करवाए हैं, इनको आपने अपनी नीट कॉपीज पर नोट डाउन करना है और इन 3 क्वेश्चंस की पिक्चर्स आपको व्हाट्सएप की जाएंगी। आपने इनको भी अपनी नीट कॉपीज पर नोट डाउन करना है और फिर आपने इन सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।